नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिंदी की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है। और विभिन्न प्रकार के शहरों में जैसा कि कोविड के प्रभाव की वजह से क्लासेस ऑफलाइन बंद भी हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिंदी के विशेष रूप से उसकी एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जिसमें पहला जो कि सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय टॉपिक होता है वो है विशेषण। और विशेष जहाँ से लोगों के सवाल भी गलत होते हैं, तो वहाँ से हम लोग जो है इस टॉपिक को जो प्रारंभ करते हैं। और आज के जो पहले लेक्चर में हम लोग विशेषण और विशेष्य को रखे हैं, जिसके प्रकार, विशेषता पहचानना, कैसे क्या हो सकता है, उसकी संभावनाएं हम यहाँ पर जो है उसको कवर करने का जो प्रयास करेंगे। तो विशेषण विशेष्य टॉपिक को आज के इस लेक्चर में रखा गया है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखने का प्रयास किया जाएगा कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की जो है विशेषता बताता है वह विशेषण के नाम से जाना जाता है। संज्ञा या जो है सर्वनाम, संज्ञा या जो है सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण होता है। इसलिए क्योंकि वो विशेषता बताता है तभी वो विशेषण होता है। तो इसमें संज्ञा हो या सर्वनाम हो तो वो विशेषण होता है, बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। अब इसको व्यवहारिक भाषा में अगर समझने का प्रयास किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति हो, जैसे समाज में, किसी गांव में, किसी शहर में अगर कोई व्यक्ति आसपास जिसके बारे में जाने हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत विशेष व्यक्ति है, कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो विशेष, जैसे व्यक्ति है और उसको कहा जा रहा है कि ये विशेष है। जैसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, कहेंगे बहुत विशेष व्यक्ति है, बहुत खास व्यक्ति है, बहुत विशेष व्यक्ति है। विशेष क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी कोई ना कोई विशेषता होती है, कोई ना कोई विशेषता होती है, उसकी कोई ना कोई जो है विशेषता होती है, और इसीलिए उसको जो है विशेष कहा जाता है। विशेष कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी कोई ना कोई विशेषता होती है, और जो विशेषता होती है वही विशेषण हो जाता है। शब्द की मैं बात बता रहा हूं, और जो विशेष होता है वही विशेष्य हो जाता है। जो विशेष होता है वही विशेष्य हो जाता है, और जो उसकी विशेषता होती है वो विशेषण हो जाता है। अब इससे ज्यादा पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी कि क्या विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, और क्या कैसे अंतर उसमें किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति जिसको हम कहते हैं कि वो विशेष है, तो विशेष इसीलिए होता है क्योंकि उसकी कोई ना कोई खास बातें होती हैं, और जो बातें होती हैं वो विशेषता हो जाती है उसकी, और जो विशेषता है वही विशेषण हो जाता है, और जो विशेष व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति के संदर्भ में है, वो विशेष हो जाता है। यानी कि विशेष हमेशा जो है संज्ञा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसी व्यक्ति की ही कोई ना कोई या संज्ञा की कोई ना कोई विशेषता बताई जा रही है। तो वहां पर जो है जो विशेष होगा, व्यक्ति है जैसे वो विशेष है, और उस विशेष व्यक्ति इसलिए है क्योंकि उसकी कोई कोई खास बातें हैं, जो बातें हैं वो विशेषता होंगी और वही विशेषण हो जाएगा, और जो व्यक्ति होगा, जो विशेष होगा, वो व्यक्ति जो है विशेष हो जाएगा। इसको पहचानने का एक दूसरा जो तरीका है वो ये है, कौन और क्या, ये दो शब्द हैं, कौन है और दूसरा जो है वो क्या है, ये दो प्रश्न लगा करके वाक्य में पूछने पर जो है इसका उत्तर समझ में आएगा। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा। अब ये अगर मान के चलिए काला घोड़ा, मान लीजिए इसको वाक्य पूरा बना दिया जाए, जा रहा है, कौन जा रहा है और क्या, मतलब इसमें जो है काला घोड़ा, जिसे इसमें वाक्य में है काला घोड़ा है या काला घोड़ा जा रहा है, क्या है घोड़ा, वो काला है, कौन जा रहा है, घोड़ा जा रहा है। तो कौन शब्द लगा करके जो उत्तर आएगा वो आपका जो है विशेष्य हो जाएगा, और कैसा या क्या, ये दो शब्द हैं, जिसे कौन शब्द लगाया गया, जो उत्तर आया उसी में जो है क्या शब्द लगाया जाए या कैसा शब्द लगाया जाए, तो जो उत्तर निकल करके आएगा वो आपका विशेषण हो जाएगा,
यहाँ पर काला जो शब्द है वो विशेषण है। अभी हम इसके प्रकार पर चर्चा करेंगे जहां पर ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से जो है यहां पर ये चीजें स्पष्ट होती हैं कि वाक्य में क्या या कैसा, यहां पे एक और शब्द जोड़ देते हैं गुणवाचक विशेषण में कैसा शब्द, तो पहले कौन शब्द लगाया जाएगा जो उत्तर निकल करके सामने आएगा वही जो है विशेष हो जाएगा। जो विशेष कौन शब्द लगा करके जो प्रश्न में उत्तर आएगा वह जो है विशेष हो जाएगा, और पुनः जो है उसी विशेष में क्या या कैसा वो अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा। तो कहीं पर क्या लगाने से आएगा और कहीं पर कैसा लगाने पर आएगा, जैसे कि कौन जा रहा है तो घोड़ा, घोड़ा जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, और घोड़ा क्या हो गया विशेष हो गया। अब यह हो गया कि घोड़ा कैसा है या घोड़ा क्या है, क्या लगाने से बेहतर है कि यहां पर कैसा लगाना चाहिए, घोड़ा कैसा है काला है, तो यहां पर जो उत्तर निकल करके सामने आ रहा है वो है विशेषण। तो इस तरीके से दो महत्वपूर्ण आधार है जिसके माध्यम से हम प्रश्न में विशेषण और विशेष्य को अंतर करने का प्रयास करेंगे कि कौन प्रश्न लगाएंगे और क्या तथा कैसा प्रश्न लगाएंगे जो उत्तर निकल करके सामने आएगा वो क्रमशः विशेषण और विशेष्य और विशेषण के रूप में होगा। दूसरा इस एक तो यह था, और दूसरा जो हमने बताया वो था कि कोई भी व्यक्ति है उसे अगर कहा जाता है कि वह विशेष व्यक्ति है तो वह विशेष क्यों है, क्योंकि उसकी कोई ना कोई खास बातें होती हैं और जो बातें होती हैं वही उसकी विशेषता बताती है और वही उसका विशेषण होता है। और जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति स्वयं में जो है अपने आप में विशेष होता, विशेष से ही विशेष हो गया, विशेष और विशेष से आपस में शब्द भी जो है उतने ही लगभग शब्दों का अक्षरों का हो तो वो भी आपस में जो जुड़ा हुआ है कि जो विशेष है वही विशेष से है, और जो विशेष व्यक्ति की बातें हैं खास बातें वो विशेषताएं हैं वही उसकी विशेषण हो जाएंगी। तो विशेष है ये एक शब्द और एक विशेषता है, ये जो है आपका विशेष हो जाएगा और ये जो है आपका विशेषण हो गया। शब्द भी अगर देखेंगे तो विशेष विशेष दोनों छोटे शब्द हैं और विशेषता और विशेषण बड़े शब्द हैं। तो इस तरीके से कई आधार हैं जिनके माध्यम से आप जो है वो विशेषण और विशेष्य को पहचान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने उसकी परिभाषा को देखने का प्रयास किया कि इसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। अब हम इसके प्रकार को देखने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः प्रचलित रूप में और मूल रूप में देखा जाए तो ये चार प्रकार का होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण और तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और अगला होता है परिमाणवाचक परिणाम नहीं, परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है, यहां परिमाण का मतलब है, और परिमाण जो होता है वो नाप तौल से संबंधित होता है। नाप तौल जिनका किया जाता है वो परिमाण होते हैं। तो यहां पे परिणाम की बजाय परिमाण शब्द है। इस तरीके से यहां पे चार प्रकार के जो है विशेषण प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम क्रमशः एक एक करके इन विशेषणों को देखने का प्रयोग करेंगे। जैसे सार्वनामिक विशेषण है, पहला हम लोगों ने देखा सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण का तात्पर्य यह है कि जब जो है किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में कोई सर्वनाम जो है विशेषता बताने वाले शब्द के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो वह सर्वनाम ही जो है विशेषण होता है और उसे पूरी तरीके से सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। कहने का मतलब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए जो है जब कोई सर्वनाम ही जो है विशेषण के रूप में प्रयोग होता है तब वह विशेषण जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे
वह व्यक्ति जा रहा है। अब यहां पर वह शब्द जो है वह व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है, व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वह व्यक्ति, यह वह व्यक्ति मतलब दूर की तरफ संकेत और यह व्यक्ति मतलब नजदीक। तो यहां पे वह व्यक्ति जो है वो सर्वनाम के रूप में आ सकता है, यह कहीं कहीं पे सर्वनाम भी होता है, लेकिन यहां पर वह शब्द जो है वो व्यक्ति के लिए आया है, उसकी विशेषता को बता रहा है, उसकी स्थिति को बता रहा है, उसकी तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए वह शब्द यहां पर विशेषण होगा। लेकिन चूंकि वह पूर्व में सर्वनाम भी है इसलिए वह जो है वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। यहां पर ध्यातव्य है कि यह बात, यह शब्द जो है वह जो है शब्द वह वाक्य में दो तरीके से प्रयोग होता है। एक जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है जैसा कि हम लोगों ने देखा, दूसरा वह कभी कभी वाक्य में जो है वो सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे अगर कहा जाता कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, अगर वह जा रहा है कह रहा है, तो यहां पर जो है वह किसी संज्ञा के स्थान पर आया हुआ शब्द है, और वही सर्वनाम की विशेषता होती है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को जो है, जैसे अगर मान लीजिए यहां पे कह दिया जाए कि दिनेश जा रहा है, तो दिनेश संज्ञा हो गया, लेकिन दिनेश के स्थान पे यह भी शब्द प्रयोग किया जा रहा है कि वह जा रहा है, उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, और वह शब्द जो है यहां पे सर्वनाम हो जाता है। लेकिन यहां पे इसी वह शब्द को व्यक्ति के पूर्व में लागे लगा दिया गया तो यह जो है विशेषण हो जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों ही शब्दों में जो मूल रूप में यह अंतर है, और सर्वनाम का जब विशेषण के रूप में प्रयोग होगा तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, और सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत कई प्रकार के शब्द हैं, और इन सार्वनामिक विशेषण को भी दो भागों में बांटा गया है। इससे संबंधित जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक के रूप में मिलेगा जो है, और उसका पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसमें विशेषण और विशेष टॉपिक को टेक्स्ट के रूप में पूरी तरीके से दिया जाएगा। तो यहाँ पे सार्वनामिक जो विशेषण है, सार्वनामिक जो विशेषण है वो जो है मौलिक, ये जो है मौलिक और यौगिक, मौलिक और यौगिक ये दो प्रकारों में बटा हुआ होता है। जैसे यह है, वह है, कोई है, ये शब्द जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। इसी से जैसे यौगिक मतलब योग से भी जो है इसमें कुछ शब्दों को जोड़ करके भी बनाया जा सकता है, जैसे यहां पर ऐसा, यह से ऐसा बन गया, कैसा बन गया, अपना हो गया, तुम्हारा हो गया, ये शब्द जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे इतना हो गया, उतना हो गया, ये शब्द भी जो है कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये आपके जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को अगर आप देखने पढ़ने का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे तो इससे आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों में विशेषण और विशेष्य को पहचानने में आसानी होगी, उसे आप आसानी से जो पहचान पाएंगे केवल अगर उदाहरणों को जो है देख लेते हैं। हालांकि अगली कड़ी में जो हम लोग पूर्व में विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे गए सवालों को भी कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ पे जो भी 10 सवाल आपके पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, 6 टॉपिक आपके रखे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी के, और 6 टॉपिक से जो प्रत्येक टॉपिक से 10-10 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के एक भी सवाल आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। अगर आप इन सभी नियम कानून को और सावधानियों को देखेंगे तथा पूर्व में आए हुए प्रश्नों को दोहरा लेंगे, तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है ये दो रूपों में जो है मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण के रूप में आता है। अब हम लोग जो है दूसरे पे चर्चा करेंगे, गुणवाचक विशेषण। वह शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार इत्यादि को विशेषता के रूप में व्यक्त करता है, यानी कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम के जो है गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, स्थान, काल इत्यादि विशेषताओं को व्यक्त करता है,
वह गुणवाचक विशेषण के रूप में आता है। इससे एक सवाल एक बार ये भी पूछा गया था कि यह कितने प्रकार का होता है, यद्यपि किताबों में और जगहों पे कई बार यह कहीं 6-7-8 अलग अलग तरीके के गुण भी चूंकि बहुत प्रकार के हो सकते बन जाता है, लेकिन सामान्यतः इसे 7 के रूप में माना गया और परीक्षा में जो है इसे 7 के रूप में उत्तर भी जो है दिया गया था। इसलिए हमें मान के चलना है कि गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार का होता है। इसमें जो है 7 प्रकार, इसके लिए एक यह जो है एक शब्द है जिसको जो है ध्यान में रखना है और इसी के आधार पे आप इन 7 प्रकार के जो गुणवाचक विशेषण हैं उनको व्याख्यायित करने का प्रयास करेंगे। गुणास्कक 10, तो ये जो है एक सूत्र के रूप में जो प्रयोग में लाया जा सकता है। हालांकि हर व्यक्ति के अपने अपने तरीके होते हैं किसी ट्रिक को बनाने के लिए, क्योंकि ये ऐसा करके आप याद कर लेंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा। हालांकि आप अपना भी ट्रिक कोई डेवलप कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ऐसा इसलिए बताया जाता है ताकि अन्य विषयों के संदर्भ में अन्य टॉपिक्स के अन्य स्टडी मटेरियल को पढ़ने के दौरान भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, उसको याद करने का भी कुछ प्रयास कीजिए, और जो न तैयार हुए इन दोनों माध्यमों से तीसरे आप उसमें ट्रिक बना लीजिए। इसमें भी एक वीडियो पूर्व में बन चुका है, तो आप वहाँ भी चाहें तो पढ़ने के तरीके सिविल सर्विसेज इत्यादि के लिए जो है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। खैर यहाँ पर हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे एक एक यहाँ पे उठाएंगे गुणवाचक, रंगवाचक, अब यहां रा में जो है दीर्घ लगा हुआ है तो यहां आ का एक उच्चारण होता है, तो यहां आकारवाचक भी ले लेंगे हम। इसकी व्याख्या आपको अपने हिसाब से करना होगा, समझना होगा। सा से है स्थानवाचक, अगला है का से जो है कालवाचक, दस है दशा। सा से है सादृश्यतावाचक, ये जो है आपके बन गए। तो एक शब्द जो है याद कर लेने से ये आसानी से याद हो जाएगा, और चूंकि ये इसमें सम्मिलित जो भी शब्द आते हैं, यदि इन शब्दों को 2-3 बार जो है आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इससे आने वाले सवाल को आसान करने में निश्चित तौर पर मदद होगा। गुणवाचक विशेषण, यद्यपि ये गुणवाचक विशेषण पूरी तरीके से है, लेकिन ये गुणवाचक यहां पे भी रख दिया गया है, गुणवाचक विशेषण जो कि केवल गुणों, जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत केवल गुणों से ही जो है व्यक्ति करता है, उस वाक्य की विशेषता को व्यक्त करता है। एक है भोला, न्यायी, सज्जन, दुर्जन, ये शब्द जो है गुण को बताते हैं। इसी तरीके से नोट्स में और भी शब्द हैं जो इस तरीके के स्थिति को व्यक्त करते हैं, जिसको देख लेने के बाद ये टॉपिक ज्यादा क्लियर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर इसके प्रकार को हम लोग देख रहे हैं, रंगवाचक में लाल रंग से जो संबंधित है वो इसी में आएंगे, हरा, ऐसे ही जो भी रंग हैं वो सब रंगवाचक में आते हैं। आकारवाचक जैसे तिकोना कोई कह दिया, ये तिकोना जो है आकार को बताता है। गोल,
आकार में बताता है, आयत है या आयताकार है, वर्गाकार है, ये सारी चीजें आती हैं आकारवाचक में। आकारवाचक के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। स्थानवाचक जैसे चौरस हो गया, अमेरिकी हो गया, है ना, पंजाबी हो गया, जैसे पंजाब है तो ये तो नाम हो गया, लेकिन पंजाबी शब्द अगर आ गया तो वो जो है वो स्थानवाचक के अंतर्गत जो है आता है। कालवाचक भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, ये सारी जो शब्द हैं वो कालवाचक के अंतर्गत आती हैं। दशावाचक के अंतर्गत जो है स्वस्थ, मोटा, दुबला, पतला, ये जो है क्या है, ये दशावाचक है। लेकिन ये सब टोटल अगर देखा जाए तो वो गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम गुणवाचक को भी अलग अलग प्रकारों में बांट लेते हैं। गुण तो है ही, लेकिन उन विशेषताओं को, गुणों को अगर व्याख्या किया जाए तो ये कई प्रकार के आते हैं। कुछ शब्द होते हैं उसमें सादृश्यता वाचक हो जाता है, जैसे मोटा सा, ये शब्द भी लगा है तो गुणवाचक के अंतर्गत अपने आप स्वयं आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो उदाहरण देखा जा रहा है उससे गुणवाचक विशेषण के जो है प्रकार को व्याख्यात करने में मदद मिलता है, वाक्य में इससे उस विशेषण और विशेष को जो पहचानने में आपको मदद मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये गुणवाचक विशेषण के रूप में सम्मिलित है। संख्यावाचक विशेषण, जब वाक्य में विशेषता बताने के लिए कोई संख्या प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि जो है विशेष्य के विशेषता को बताने के लिए जब संख्यात्मक जो है विशेषण प्रयोग में लाया जाता है तो वो संख्यावाचक विशेषण के रूप में जाना जाता है। संख्यावाचक विशेषण भी जो है दो प्रकार से होते हैं, एक निश्चित और एक जो है अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक, कहने का मतलब जो गिना जा सकता है लेकिन उसकी संख्या अगर निश्चित नहीं है तो वो अनिश्चित में आ जाएगा। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों को तो हम गिन सकते हैं लेकिन वो संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए वो जो है अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। यहाँ पर अनिश्चित में जो है, अभी हम जब परिमाणवाचक को बताएंगे तो वहां पे भी अनिश्चित परिमाणवाचक आएगा, तब दोनों में अंतर यहाँ पे बताएंगे। बस केवल इतना समझना आवश्यक है कि जिसे गिना जा सकता है और यदि उसकी संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक हो गया, और अगर गिना जा सकता है लेकिन संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। निश्चित संख्यावाचक भी जो है पांच प्रकार से होता है। गणनावाचक, जिसे एक है, सात है, आठ है, ये सारी गिनतियां जो है जो निश्चित है वो गणनावाचक के अंतर्गत आ जाती है। ये सब निश्चित वाचक के अंतर्गत आ रहे हैं। क्रमवाचक, क्रमवाचक में जो है पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही ये जो है क्रमवाचक के अंदर, क्रम से बता रहा कि तीसरा, चौथा, ये क्रम होता है। यहां पे जो है समुदायवाचक, समुदायवाचक जो है या समुदायवाचक जो है संख्यात्मक विशेषण, जैसे दोनों, ये दोनों से क्रम नहीं पता चलता है कि वो दोनों व्यक्ति किस क्रम पे बैठे हुए हैं, दूसरे चौथे पे, लेकिन अगर कहीं पे दो व्यक्ति हैं तो दोनों को जो है कह रहा है, यानी कि दोनों को समुदाय को ले रहा है, समुदाय यानी कि दोनों को एक में सम्मिलित करने का वो प्रयास कर रहा है, इसलिए दोनों हो गए, चारों हो गए, तीनों हो गए, इस तरीके से ये शामिल होता है समुदायवाचक। एक आवृत्ति वाचक, आवृत्तिवाचक, गुना, जिसमें सब में गुना लगा रहेगा वो आवृत्तिवाचक होता है। इसको पहचानने का जो है यही एक साधन है, जैसे दो गुना हो गया,
चार गुना हो गया। ये जो गुना शब्द लगे होते हैं वो आवृत्ति वाचक के अंतर्गत आते हैं, प्रत्येक वाचक एक भी होता है, प्रत्येक वाचक संख्या वाचक, जैसे हरेक हरेक हो गया या दो दो हो गया, तो ये सब जो है प्रत्येक वाचक के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से एक दो तीन चार और पांच संख्यावाचक के अंतर्गत ये पांच प्रकार से निश्चित संख्यावाचक आते हैं, यानी कि संख्यावाचक को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, और निश्चित संख्यावाचक को पांच भागों में, अनिश्चित संख्यावाचक की विशेषता यही है कि जो संख्या यानी कि जो गिनी जा सकती है उस रूप में अगर विशेषताएं आ रही हैं लेकिन वो निश्चित नहीं है, जैसे बच्चों को हम गिन सकते हैं अभी दूध आ जाए कुछ दूध तो हम दूध को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक नहीं होगा, वो चला जाएगा परिमाण के अंतर्गत, क्योंकि वो नाप तौल में आता है, इसलिए वो भी निश्चित तो नहीं है, इसलिए वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं परिणाम परिमाणवाचक, मतलब नाप तौल की जा सकने वाली विशेषताओं के माध्यम से अगर संज्ञा एवं सर्वनाम की स्थिति को व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है तो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। और यह परिमाणवाचक विशेषण भी जो है दो प्रकार से होते हैं, एक जो है निश्चित होकर है और दूसरा जो है वह अनिश्चित होता है, निश्चित होता है और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक के रूप में आता है, यानी कि जब नाप तौल की जा सकने वाली जो है वस्तुओं के माध्यम से विशेषता व्यक्त की जाती है और उस नाप तौल की जाने वाली वस्तु की या पदार्थ की या द्रव्य की मात्रा जो है निश्चित होती है तो वो परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। और जब यहाँ पे निश्चित नहीं होता है कि वो कितने लीटर है कितने मीटर है, जिसे बोल दिया गया कि 2 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पे कपड़ा जो है वो जो कपड़ा है वो गिना नहीं जाता, कपड़ा नाप किया जाता है, तो वो 2 मीटर बता रहा है तो 2 मीटर निश्चित है, इसलिए वो जो है निश्चित है तो निश्चित के अंतर्गत गया, लेकिन जो नाप तोल किया जाता है इसलिए परिमाणवाचक हो गया। अब पहले वाले में भी 2 लड़के थे लेकिन यहाँ पे 2 शब्द जो है वो निश्चित है इसलिए वो निश्चित हो गया, लेकिन लड़के जो होते हैं वो गिना जा सकता है, लड़के गिने जा सकते हैं, इसलिए वो तुरंत जो है परिमाण के बजाय जो है संख्यावाचक हो जाएगा, यानी निश्चित परिमाणवाचक निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा लड़के अगर आएंगे। लेकिन बोल दिया कि 2 मीटर कपड़ा, तो 2 शब्द आने से तो निश्चित हो गया लेकिन कपड़ा नापतौल में आता है इसलिए वो परिमाण आएगा, यानी कि वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। और यही स्थिति जो रहेगी अनिश्चित के संदर्भ में है, अगर कह दिया गया कि कुछ कपड़ा, यहां कुछ शब्द अनिश्चित हो गया लेकिन कपड़ा नापतौल में आता है तो परिमाणवाचक है, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। तो यहां पे हमें ये देखना है कि 2 चीजें ध्यान में, कि वो निश्चित है कि नहीं है, वो नापतौल की जाती है कि गिनी जा सकती है, नापतौल में जैसे ही आएगी वो जो है परिमाणवाचक और गिनने योग्य में आएगी तो वो संख्यावाचक हो जाएगा, इससे भी संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहां पर जो है संख्यावाचक और परिमाणवाचक के आधार पर, संख्यावाचक और परिमाणवाचक के आधार पर पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो पूर्णांक का मतलब ये हो गया कि पूर्ण अंक जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्णांक बोधक में आ गया, ये जो है पूर्णांक बोधक होता है, एक हो गया अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। अब जैसे बोल दिया गया कि आधा लीटर दूध, यहां पे आधा जो है वो पूर्ण अंक नहीं है, पूर्ण अंक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो ये अपूर्णांक बोधक हो जाएगा, आधा हो गया, सवा हो गया, पौना हो गया, ये सारी चीजें जो है अपूर्णांक बोधक हो जाती हैं और ये परिमाण और संख्या दोनों में आ सकती हैं। परिमाण जैसे आधा किलो दूध, ये जो हो जाएगा वो आ जाएगा जो है
परिमाण वाचक अपूर्णांक परिमाण वाचक। अगर एक लीटर दूध तो ये पूर्णांक, तो कहने का मतलब ये जो परिमाण वाचक है और संख्या वाचक, इसका दो रूपों में भी जो है क्वेश्चन आ सकता है, निश्चित और अनिश्चित में तो आता ही है, ये विकल्प में पूर्णांक और अपूर्णांक भी दे सकता है। इसी तरीके से जो सार्वनामिक विशेषण होता है इसको संकेत वाचक, इसे संकेत वाचक भी कहा जाता है। यह कहने का तात्पर्य है कि जो विशेषण के बहुआयामी प्रयोग हैं उसके व्यापक होने की जो अधिकतम संभावनाएं हैं, वो सारे शब्दों को यहाँ पे इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कई बार परीक्षा में इसे सीधे न पूछ करके वो इन शब्दों का भी प्रयोग करता है, जिससे कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसा करके आप निश्चित तौर पर वहां पे सवालों को हल करने में जो है सफल होंगे। तो इस तरीके से पूर्णांक और अपूर्णांक का भी मतलब जो समझ में आ गया होगा, एक हो गया, दो हो गया, यहाँ पे जो हो गया आधा, ये सारे शब्द जो है अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिलाकर के विशेषण और विशेष की परिभाषा, उसको पहचानने के तरीके कि कौन लगा करके प्रश्न किया जाएगा तो वो उत्तर निकल करके जो आएगा वो विशेष होगा, और पुनः विशेष में जो है क्या या कैसा, क्या या कैसा लगा करके प्रश्न किया जाएगा तो जो उत्तर आएगा वो विशेषण हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने विशेषण के जो प्रकार को और उन प्रकारों के भी उप प्रकार को देखने का यहाँ पे प्रयास किया। एक और चीज है जिसको देख लेना आवश्यक है विशेषण और विशेष के टॉपिक में, वो ये है कि विशेषण का निर्माण कैसे होता है। इसके मूल रूप से छह प्रकार हैं, ये संज्ञा से भी बन सकता है, सर्वनाम से भी बन सकता है, क्रिया से भी बन सकता है, अव्यय से भी बन सकता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जो है बन सकता है, और इसी तरीके से प्रत्यय और उपसर्ग। एक्चुअली ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही है, एकदम इसका विशेषण का निर्माण या विशेषण की रचना, यहां पे निर्माण के स्थान पे रचना शब्द लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। विशेषण की रचना जो है वो इन माध्यमों से भी हो सकता है, ऐसा इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके आयामों में वृद्धि होगी, आपकी अध्ययन को एक व्यापक आधार मिलेगा और विशेषण की पहचान की संभावनाएं और क्षमता का विस्तार होगा आपकी। तो इसलिए जो है ये छह संभावनाएं हैं जिनके आधार पर आप जो है देखेंगे कि संज्ञा से जो भी बन सकता है, जैसे धर्म है ये संज्ञा हो गया, अब यहां पे धार्मिक है ये जो है आपका विशेषण हो गया, ये जो है संज्ञा होने के साथ साथ जो है ये विशेष जैसे कि श्रेणी में आ जाता है, और ये धार्मिक जो है वो विशेषण हो गया, संज्ञा से भी बन रहा है। कहने का मतलब यह है कि अब जब धार्मिक आएगा तो आप उसको क्या करेंगे वहां पे पहचानने के लिए, उसको धर्म, उसको तोड़ देंगे दो शब्दों में, धर्म हो जाएगा वो धार्मिक, तो धार्मिक निकल रहा है बाद में जो शब्द वो संज्ञा से बना हुआ है और ये जो है विशेषण हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत से शब्द हो जाएंगे, जैसे मर्म से मार्मिक हो गया वो भी आ सकता है, जात से जातीय हो गया, श्री से श्रीमान हो गया, और ऐसे ही बहुत शब्द होंगे जिनसे जो है संज्ञा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन उसके आधार पर भी बढ़ा करके वो विशेषण के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, विशेषण बनाया जा सकता है, विशेषण की रचना की जा सकती है और वो शब्द जो है विशेषण की श्रेणी में आएगा। इसी तरीके से सर्वनाम है, सर्वनाम के की क्या परिभाषा होती थी कि संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जैसे यह वह है, यह है और वह है, तो यह से ऐसा, वह से वह हो गया, ये सब क्या हुए या वैसा हो गया, ये सब संज्ञा से बने हुए जो है सर्वनाम से बने हुए जो है विशेषण है, ये जो विशेषण की श्रेणी में जो आ जाता है,
ये सब विशेषण की श्रेणी में आ जाता है। यद्यपि इनका भी प्रयोग जो है सार्वनामिक विशेषण के रूप में हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया। तो कहने का मतलब यह है कि ये सर्वनाम से विशेषण बन सकते हैं, इससे आपको काफी आयाम प्राप्त होंगे और आपको विशेषण पहचानने की संभावनाओं में वृद्धि होगी, जानकारी में वृद्धि होगी। और क्रिया से भी बन सकते हैं, जैसे चलना एक क्रिया है जो चलता हुआ, तो कहने का मतलब यह हुआ शब्द जहां पे आए, जैसे चलता हुआ व्यक्ति, चलती हुई ट्रेन, गाता हुआ लड़का, यह हुआ शब्द जो यहां पे आ रहा है ये चलने के साथ में है और ये क्रिया के साथ में लगा हुआ, इसलिए ये क्रिया से बना हुआ विशेषण है। क्योंकि ऐसे शब्द जब आते हैं पहचानने के लिए तो वहां पे सवाल गलत हो जाते हैं, लेकिन जब हम इन आधारों को भी व्यापक रूप में देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इससे बाहर वो नहीं बच पाएगा। कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, अब हमें यह समझ में नहीं आता, तो वहां पर अगर ये शब्द आता है तो निश्चित तौर पर आपको उसी शब्द को देखना है। खिला हुआ फूल, जैसे एक बार ये भी 2010 की जो है समीक्षा अधिकारी में पूछा गया सवाल है कि उसमें निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में है, तो वहां पे खिला हुआ फूल, तो जैसे हुआ आ गया तुरंत आपको लगा देना है कि वो विशेषण इसी वाक्य में है। आपसे वहां ये नहीं पूछेगा कि कौन क्रिया से बना हुआ कैसे है, लेकिन यहां से जो बना हुआ है इन आधारों से बन सकता है, वो इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आपको पहचानने में, परीक्षा में मदद मिलेगी। चलता हुआ लड़का गा और चलती हुई ट्रेन, गाता हुआ लड़का, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। अव्यय, जैसे बाहरी, बातें या बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें, ये सारी चीजें क्या है। अब यहां अव्यय का मतलब क्या होता है, जिसमें लिंग वचन इत्यादि के आधार पे, कारक के आधार पे उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, व्यय नहीं होता है, तो अव्यय होता है वो शब्द, उसी रूप में हर स्थिति में प्रयोग में लिंग वचन कारक के साथ में प्रयोग आता है, उससे मिलकर के भी आती है, जैसे बाहरी बातें हो गई या बाहरी व्यक्ति हो गया, भीतरी बातें हो गई, इस तरीके से जो शब्द आएंगे, तो जैसे यहां ये शब्द मिलकर के कहीं पर भी है वही वाक्य में जो है वही शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग में ला जाएगा। तो अव्यय से दो या दो से अधिक शब्दों में, जैसे चलता फिरता हो गया, चलता फिरता, टेढ़ा मेढ़ा, ये जो है दो शब्दों से मिलकर के बने हुए विशेषण है। इसी तरीके से प्रत्यय और उपसर्ग में है, जैसे प्यास है, मान लीजिए अब प्यास में जो है इससे प्यासा बन गया, अभी प्यासा शब्द जो विशेषण हो गया, ये बना है किससे, प्रत्यय से, क्योंकि प्यास मूल शब्द है और इसमें आ शब्द आ गया बाद में, और ये जो है बन गया प्यासा। इसी तरीके से कई शब्द हो सकते हैं, इस तरीके से राष्ट्र है, राष्ट्र से राष्ट्रीय बन गया, और गुलाब है, गुलाब से गुलाबी बन गया, ये हो गया प्रत्यय के प्रयोग के द्वारा किसी शब्द से विशेषण की रचना। और प्रत्यय जैसा कि है पीछे लगता है, उसी तरीके से उपसर्ग जो है आ से मिलता है, ये आगे लगता है, जैसे डर है, भय है, तो निर्भय हो जाएगा, और यहां डर है, निडर हो जाएगा। तो ये उपसर्ग के माध्यम से प्रयोग करके बनाए गए विशेषण हैं। तो कुल मिलाकर यहां छह प्रकार के जो है माध्यम है जिनके द्वारा विशेषण की रचना हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आज के टॉपिक में हम लोगों ने विशेषण और विशेष्य की परिभाषा, विशेषण और विशेष्य को पहचानने के तरीके, विशेषण के प्रकार, उसके उप प्रकार, और किन माध्यमों से विशेषण की रचना हो सकती है आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आप लोगों को परिभाषिक और अवधारणात्मक रूप में समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग आरओ की प्रारंभिक परीक्षा की श्रृंखला के रूप में एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को, अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग इसी विशेषण और विशेष्य टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को
एकत्रित करते हुए इसको देखेंगे कि किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके क्या आयाम हो सकते हैं, उसकी क्या गहराई और कठिनाई का स्तर हो सकता है, जिससे ये टॉपिक पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। नमस्कार।